आयुष्मान भारत योजना के तहत जनपद में बनाए जाने वाले गोल्डन कार्ड की समीक्षा बैठक एवं कार्यशाला का आयोजन एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। कार्यशाला में सभी BLE को गोल्डन कार्ड बनाने के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए, जिसके संबंध में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि गोल्डन कार्ड बनाने के लिए सभी आयुष्मान मित्र और BLE को निर्देशित किया गया है, जिससे योजना से लोग लाभ उठा सकें। जिलाधिकारी ने बताया कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 1500 बीमारियों के इलाज के लिए शासन द्वारा 5 लाख रुपए दिया जाता है। इस योजना में अब अंत्योदय कार्ड धारकों को भी जोड़ा जा रहा है। इसमें निजी क्षेत्र के करीब 100 इकाइयां भी कार्य कर रही हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं आसानी से मिल सके। इसी के संबंध में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि गोल्डन कार्ड बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है और जनपद में इस योजना से सभी पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस संबंध में गोरखपुन्नी से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे और जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा, एनएक्सी भवन में जिलाधिकारी महोदय ने निर्देशित किया था कि गोल्डन कार्ड की संख्या को बढ़ाना है, तो चूंकि जनपद में गोल्डन कार्ड बनाने का दायित्व तो जो है हमारे BLEs पर होता है, जो कॉमन सर्विस सेंटर के एजेंट्स होते हैं, तो उनके साथ एक बैठक की गई थी उनमें ऊर्जा का स्रोत संचालित करने के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आयुष्मान कार्ड बनावें, जिससे कि सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है इसका ग्रामीण के क्षेत्रों के लोग, गरीब लोग, वंचित लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसी सिलसिले में हमने एक बैठक का आयोजन किया था जिसमें जितने भी लगभग 250 BLEs आए थे और उन सभी लोगों ने हमें यह आश्वासन दिया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा आयुष्मान कार्ड बनाएंगे और जिससे कि यहाँ की जनता को उसका लाभ मिल सकेगा। सर, जनपद में कितना हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड? जनपद में हमारे पास इस वक्त 78 अस्पताल जो हैं आयुष्मान से कवर्ड हैं, जो आयुष्मान कार्ड धारकों को सेवाएँ देते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स। हर्ष का विषय है कि गत माह में इस वित्तीय वर्ष में आयुष्मान योजनाओं में लाभार्थियों को आच्छादन करने में और उनको स्वास्थ्य इकाइयां जो पंजीकृत हैं उनमें स्वास्थ्य सेवाएं क्लेम्स प्रोसेस करते हुए कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन कराने के लिए 1500 से ज़्यादा बीमारियों में आच्छादन करने के लिए अच्छी प्रगति जनपद में हुई है। हम निरंतर उत्कृष्ट 5 जनपदों में प्रदेश में रहे हैं और ये सभी स्वास्थ्य कर्मी आयुष्मान मित्र और हमारे BLEs उद्यमियों के मेहनत का नतीजा रहा है, लेकिन अभी और भी हमें उसमें मेहनत करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आच्छादित करना है। इसलिए आज ये कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें सभी BLEs को आमंत्रित करते हुए जब ये अंत्योदय जो राशन वितरण हो रहा है तो उनमें अंत्योदय कार्ड धारकों को और श्रमिक लोगों को जो आच्छादित किया जा रहा है ई श्रम पोर्टल पर, उन दोनों को टारगेट करते हुए शिविर लगाते हुए राशन वितरण के दिन वहाँ पे BLEs उपस्थित रहें और लोगों को उसमें आच्छादित कराएं और उनको कार्ड वितरण अप्रूवल के बाद करें, इसीलिए उनको प्रशिक्षण एवं निर्देश दिए गए हैं। उम्मीद है कि आगामी दिनों में और भी बेहतर हमें परिणाम इसमें मिलेंगे। सर, इससे प्राइवेट अस्पताल भी जुड़े हैं? हाँ, करीब 105 से ज़्यादा निजी इकाइयों को आच्छादित किया है, जिसमें उनके लिए भी एक अच्छी व्यवस्था है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं से वंचित रह गए हैं वो तनबा भी उनके लिए आच्छादित हो जाएगा और उनसे सरकार के माध्यम से उनको प्रतिपूर्ति भी दी जाएगी और एक तरफ से हमारे लाभार्थियों को अच्छी सुविधाएं भी मिलेंगी और स्वास्थ्य इकाइयों को सुदृढ़ होने के लिए वित्त पोषण भी सरकार की ओर से किया जाएगा। ये बहुत ही अच्छा अवसर है और स्वास्थ्य इकाइयों में भी अच्छी व्यवस्था करने के लिए हमने निर्देशित किया है और उसका अनुश्रवण किया जा रहा है। सर, कितने लाख रुपये की धनराशि का इलाज है? करीब इसमें 5 लाख तक का इलाज है और करीब 1500 से ज़्यादा बीमारियों के लिए इलाज के लिए हम लोग सुविधा दे सकते हैं और अच्छी बात है कि हमारे जनपद में 100 से ज़्यादा इकाइयों ने इसमें ऑलरेडी आच्छादन लिया है, तो एक तरफ सप्लाई और डिमांड दोनों तरफ से अच्छे काम हो रहे हैं। उम्मीद है कि और करीब 50,000 से ज़्यादा लोगों को ऑलरेडी इसमें आयुष्मान में इलाज निःशुल्क दिया गया है और अस्पतालों को रिइम्बर्समेंट में किया गया है। 98% से ज़्यादा हमारा रिइम्बर्समेंट क्लेम प्रोसेसिंग हुआ है, जो अच्छी बात है और इसमें और सुधार करने के लिए प्रयास किया जा रहा है।